नमस्कार, अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में हमें देखने को मिला है कि हमारे राजधानी ईटानगर में ट्रैफिक लाइट्स का अच्छे तरीके से सेटअप किया गया है, पर चर्चा के विषय ये है कि क्या ट्रैफिक लाइट्स का अच्छे तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। चलिए जानते हैं हमारे ईटानगर के ट्रैफिक वार्डनों से कि उनकी क्या राय है इस विषय में। सर, जैसे कि आप जानते हैं हमारे राजधानी ईटानगर में हाल ही में ये नया ट्रैफिक लाइट्स का इनॉग्रेशन किया गया है, पर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ में कोई इन रूल्स का, इन लाइटों का कोई पालन नहीं कर रहा है, आपका क्या राय है? जो पालन करने वाला करता है, लेकिन ऐसे बात नहीं है कि जो पालन नहीं करता ना, जो पालन करने वाला करता है। एक्चुअली ज़्यादातर हम लोग ये कि हम लोग जो ये लाइट लगाने के बाद भी हम लोग ये मतलब वो करता है, आदमी लोग ये कह पब्लिक लोग वो करता है कि नया नया ना, एक्चुअली कोई कोई मालूम नहीं होता है। तो मेरा विषय कि लेकिन पालन तो होना चाहिए, और उसका बाद ये लाइट लगा दिया तो उसका बदले जो अभी जो मालूम नहीं होने वाला लोग अभी फ़िलहाल मालूम हो जाएगा। और फिलहाल हम लोग लाइट लगाने के बाद जो कोई कोई लोग चला जाते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते ना, तो छलान अलान वगैरह तो नहीं कर पाता है, लेकिन जाने वाला को तो चला जाता है ना, तो उसके वजह से हम लोग लाइट लगाने के बाद भी हम लोग खड़ा करना पड़ता है। मैं सबसे पहले कहता कुछ ट्रैफिक रूल की बेसिक चीज़ को बताना चाहूँगी, जैसे कि रेड लाइट का मतलब है कि स्टॉप होना, येलो का मतलब है कि वेट, और ग्रीन का मतलब है कि गो। पर हमारे यहाँ में जैसे ओल्ड जनरेशन है ना, उन सबको इसके बारे में इतने पता नहीं है, तो वो इसे फॉलो नहीं करता, ना ही उसे देखते हैं, ना ही उसे उनको पता है कि ये ट्रैफिक लाइट क्या है वगैरह। पर हमारे जो यंग जनरेशन है, जिसको इसके बारे में आइडिया है, जैसे कि फिल्म से, ड्रामा से, पर उन लोग इसको फॉलो नहीं करते, और ना ही वो लोग कहता ओल्ड जनरेशन को इसके बारे में आइडिया देते हैं। और स्पेशली हमारा एजुकेटेड पर्सन लोग, ना ही वो लोग इसके बारे में कुछ करते हैं, ना ही इसके बारे में कुछ पोस्ट करते हैं, ना ही कुछ करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसका कुछ कहता पालन हो रहा है। रेड होने से आदमी लोग रुकना चाहिए, रुकता नहीं है, डायरेक्ट जाता है, कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं यहाँ का आदमी लोग, लगा के भी नहीं लगा के, बात तो सेम ही है, फॉलो ही नहीं कर रहे। ट्रैफिक लाइन तो देखिए पालन तो जो लोग जान रहे हैं उन लोग का तो हो रहा है, अभी जो नया नया है उन लोग के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अभी देखेगा थोड़ा सीखेगा, ट्रैफिक वाला खुद रुका रुका के सिखा रहा है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, एक दो महीना में सबको मालूम हो जाएगा। जैसे अभी पार्किंग का था पहले, जहाँ था पार्किंग होता था, अभी पार्किंग सही हो गया, ट्रैफिक भी आपका सही धीरे धीरे हो जाएगा। रूल्स जो है जनता के अच्छे के लिए ही बनाया जाता है, पर जनता ही है जो इन रूल्स का अच्छे तरीके से पालन नहीं करता है, ऐसे होने से कैसे बदलेगा हमारा अरुणाचल? आने वाले समय में ये देखना जरूरी है कि जनता इन रूल्स का अच्छे तरीके से पालन करता है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।